गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ श्वेता, सीनियर नर्सिंग ट्यूटर फ्रॉम RPIMS पस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है हाइपोथायरायडिज्म। इस हाइपोथायरायडिज्म वीडियो का पार्ट वन मैं शेयर कर चुकी हूँ। नाउ आई विल डिस्कस पार्ट टू। इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस चेक डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट। पार्ट वन में हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है, उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया। इसमें साइन एंड सिम्टम्स को हमने अलग अलग डिस्कस किया है फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टिगेशंस में TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें आपके थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस में क्या होगा। अगर थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट बॉडी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है तो आपका थायराइड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेज्ड हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। बट फ्री T4 और फ्री T3 के लेवल जो आपके हॉर्मोन्स हैं TSH के, वो भी रेज्ड होंगे। तो अगर वो रेज्ड है मतलब थायराइड हार्मोन फंक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मली T3 T4 को, बट आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई। प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म हम कब बोलेंगे कि TSH रेज्ड है, थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज कर रही है बट थायराइड ग्रैंड फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसके वजह से फ्री T4 और फ्री T3 के लेवल कम मिलेंगे। सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म में TSH फंक्शन नहीं कर रहा है, TSH भी लो है, नॉर्मल हो सकता है, T3 T4 आपके लोअर्ड होंगे, तो ये सेकेंडरी है। मतलब क्या है कि पिट्यूटरी की दिक्कत, पिट्यूटरी में कोई ना कोई इशू है जिसके वजह से TSH के लेवल कम है और उसी के वजह से थायराइड हार्मोन फंक्शन नहीं कर। तो थायराइड ग्लैंड आपका नॉर्मल है फंक्शनिंग में सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म है, बट बिकॉज ऑफ द पिट्यूटरी अदर सेकेंडरी कॉजेस आपका थायराइड फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है। एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटी TPO एंटीबॉडीज और एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज आर फाउंड इन 90-95% ऑफ पेशेंट। अगर उन्हें ऑटो इम्यून थायरॉइडाइटिस है तो उनमें ये दो एंटीबॉडीज मिलेंगी। अनट्रीटेड हाइपोथायरायडिज्म मे बी एसोसिएटेड विद अ रेज्ड CK, रेज्ड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स एंड एनीमिया, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक। दीज एबनॉर्मलिटी यूजअली रिजॉल्व विद द ट्रीटमेंट। If the patient has an asymmetrical goiter, then they may need imaging of their gland, thyroid gland, ultrasonography to rule out कोई भी अगर neoplastic, अगर asymmetric goiter है तो वो it can relate to neoplastic lesions. Management, overt hyperthyroidism. Treatment is with levothyroxine replacement. It is customary to start with a low dose of 50 microgram per day for 3 weeks, increase thereafter to 100 for a further 3 weeks, and finally a maintenance dose of 100-150 microgram per day. The dose of levothyroxine should be adjusted to maintain serum TSH with the reference range. To achieve this, serum T4 often needs to be in the upper part of the reference range because the T3 required for receptor activation is derived exclusively from conversion of TA within the largest tissues without the usual contribution of thyroid secretion. Offer levothyroxine sodium as a first line treatment and aim to maintain thyroid stimulating hormone level within the reference range. If the system persists even after achieving normal TSH level, consider adjusting the dose to achieve optimal well-being. Wishlist avoiding doses that cause TSH suppression or thyroid toxicity. Considering measuring TSH level every 3 months until a stable level has been achieved, then yearly thereafter monitoring for free thyroxine should be also considered in those who continue to be symptomatic. Now I will end this YouTube video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academy. Thank you so much for watching.